नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़। मैं अर्जु निशा। आशीष न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में हम सारजमडी गांव के पंडरानी टोला में पहुंचे हुए हैं। आइए यहां से यहां के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? कामदेव कुमार। सर, ये आप 5 सालों में यहां क्या क्या काम हुआ है इस गांव में? 5 साल में यहां तो काम तो बहुत सा काम हुआ है, नहीं बराबर हुआ है। जैसे कि घर में जो है ना, इंदिरा आवास जो है ना, वो भी जो जिसको मिलना था उसको नहीं मिल रहा है, जो जिसको नहीं जो मिलना था उसको नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलना था उसको मिल रहा है। तो इसलिए और जो उज्ज्वला योजना जो यहाँ पर दे रहा है सरकार की ओर से, वो भी बहुत कम नहीं बराबर मिल रहा है, वैसा ही है हो रहा है। बाथरूम जो है, बाथरूम भी नहीं हो रहा है, वो भी जिसके बड़ा आदमी को मिल रहा है, छोटा सा आदमी को उसे नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके का सुविधा मिलना चाहिए वो आपको मिल पाया है? नहीं, जिस तरीके सुविधा मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इन 5 सालों में आप अभी जो चुनाव का चल रहा है, तो इस बार आप किनको चुनना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग इसके बारे में नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, क्या है कि हम लोग तो उतना भी सहमति में बैठे हुए नहीं हैं कि इसको देंगे वोट या किसको नहीं देंगे, उसके लिए भी विचार नहीं हो रहा है। अभी तो विकास करेगा उसी को दीजिएगा या फिर? हाँ, तो विकास करेगा उसी को देंगे, लेकिन विकास जो कर वो भी तो नहीं हो रहा है ना। देखिए, अभी जो हम लोग के यहाँ देखिए, जैसे कि विकास जो था 5 साल में, अभी हम लोग के यहाँ जो यहाँ मंदिर जो बनाया, आकर 2 बार उसको खड़ा किया है कि हम जितवाइए, जितवाने के बाद हमको बजरंगबली और मंदिर हम बना देंगे। सरकार की ओर से होता नहीं होता है, लेकिन अपने से बनाएंगे बोल रहा है। अभी तक उसके लिए हुलके में देखने भी नहीं आया है, देखने भी नहीं आया है अभी तक। इन 5 साल में विकास मतलब वोट मांगने के बाद कितने बार आ चुके हैं? वोट मांगने के बाद एको बार नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया है। और मतलब इधर का जो काम है वो सब भी देखने के लिए क्या है? नहीं, कुछ नहीं, वो अब अभी नहीं किया है तो आया ही नहीं, बोलने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया है, देखने भी नहीं आया है। इन 5 सालों में आपका इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है? विकास यहाँ कुछ नहीं आया, आगे पीछे बस जितना गरीब लोग हैं यहाँ खाली तड़प रहा है। आता है सरकार तरफ से, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। सर, तो आप लोग को जो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था, मिल पाया? कहाँ, अभी तक कुछ नहीं मिला है। शौचालय जो मिलना चाहिए था, गैस वगैरह कुछ? वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं। गैस भी पूरा नहीं किया है, सोचिए। इतना बड़ा गांव में जितना मिलना था, कम से कम 3 हिस के लिए 1 हिस भी नहीं मिला है। 100% में सोचिए तो क्या बताएं, बोलिए। 75% नहीं मिला है। तो इस बार का जो लहर, चुनाव लहर चल रहा है, तो इस बार आप किनको जिताना चाहेंगे? देखिए, जो काम करेगा आगे उसके बाद वोट देंगे। तो किन मुद्दाओं को लेके आप प्रत्याशी को चुनिएगा? इसको अभी बोल देंगे। देखिए, सब जो गांव में एकता करेगा, सब एकता रहेगा, मीटिंग करेगा, जिसको देंगे बोलेगा उसी को देंगे। तो जो विकास करेगा उसी को ना दीजिएगा? हाँ, जो विकास करेगा उसी को देंगे, लेकिन आगे वोट लेता है उसके बाद काम नहीं करता है जी, काम नहीं करता। तो जैसे यहाँ आते हैं नेता, जैसे विकास ने भी आया था और वोट मांग के चले गए, दोबारा आप जैसा बता रहे हैं कि वो आए ही नहीं दोबारा इस गांव को देखने के लिए, तो आप मतलब क्या भरोसा करके दीजिएगा? मान लिए जैसे आगे हम लोग का विकास था बुंडू वाला, वो भी आया, देख के गया मंदिर, बजरंगबली मंदिर बना देंगे, दुर्गा मंदिर बना देंगे, ठीक है, चल गया चुपचाप, मटिया दे, वोट पाया, मटिया दिया। राजा पीटर आया, ये भी दिया, बस 200-500 रुपये पूजा के लिए दिया, बना देंगे मंदिर, अभी ये मंदिर बन रहा है और वोट के लिए मर रहा है, तो किसको देंगे बताइए? तो जब गांव का एकता होगा तो दे देंगे सब। आइए यहाँ के और एक बुजुर्ग से बात करते हैं। इन 5 साल में कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास कितना हुआ? काम कुछ नहीं हुआ है, विकास कहाँ होगा? कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं। पेंशन का तो नहीं मिल रहा हमको, पूरा पेंशन वाला, पेंशन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या कर देंगे वोट? 70-75 साल उसकी उम्र है, 16 साल ना, 16 साल पार हो गया वृद्धा पेंशन, 60 साल से भर के 16 साल पार हो गया, तो पर भी नहीं मिला वृद्धा पेंशन। हर वोट के लिए जान मार रहा है, वोट के फॉर्म कोई बार भर दो, एक साल में 5-6 बार भरता तो पैसा, एक साल में 5-6 बार भरे हैं तो भर भी नहीं मिल रहा है।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के बुजुर्ग को कम से कम ये 16 साल से ये पेंशन के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी इनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। और आइए यहाँ के और एक लोग से बात करते हैं। तो यहाँ कितना विकास हुआ है 5 साल में? क्या 5 साल में कितना विकास हुआ है? यहाँ पर बहुत है। काम कितना हुआ है? हाँ, काम को भी नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं, नहीं नहीं किसी नहीं, नहीं मिलता है। पेंशन मिलता है आपको? नहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता है। कितना उम्र है? 84। हाँ, 84 मेरा उम्र है। तो आप फॉर्म वॉर्म भरे हैं? फॉर्म बाबा हो तो बहुत भरे हैं बाबा, बहुत भरे। हाँ, फिर भी अभी तक ना ना है काम, ना ना नहीं मिलता है बहुत। तो यहाँ पे जैसे पिछले साल विकास कुमार जीत के गए, तो आप लोग से वोट मांगने आए, उसके बाद आप कभी देखे विकास? हाँ साहब, बताओ आप बहुत दुआ। तो अभी जो काम मतलब वोट मांगने आए थे, वोट मांग के यहाँ से गए, तो फिर दोबारा आया विकास? ना आया तो कहा विकास नहीं नहीं आया, तो नहीं एक बार कहा आते क्या? हाँ नहीं आते हुआ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ का बात हुआ जनता से तो वो बोल रहे जिनको जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया।